झज्जर में आज बाबा साहब अम्बेडकर का हम साथियों यहाँ पर परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। कल भी मेरे कार्यक्रम उचाना विधानसभा में चीन में रहे, कल मैं छात्र में गया। छात्र एक बहुत बड़ा गांव है, छात्र के लोगों ने हमें सिक्कों में तोड़ करके सम्मानित किया, छात्र के लोगों ने सिक्कों में तोड़ करके सम्मान देने का काम किया। हम छोटी सुतगण सुतगण खुद सुतगण कला में भी गए, हम तो वहां पर साथी लोगों से वैसे मिलने गए लेकिन एक बड़ी जनसभा का रूप लोग धारण कर गए। आज पूरे हरियाणा में एक बदलाव की आंधी चल रही है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर को जिनको याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को हमें छोड़ करके चले गए, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर हमें छोड़ करके चले गए। पूरी कांग्रेस ने, पूरी कांग्रेस की टीम ने घी के चिराग जलाए कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जो गरीबों का मसीहा है, दलितों का मसीहा है, कमजोर की बात करने वाला है, आज इस बात को छोड़ करके चला गया है। आज के बाद इंडिया में कोई गरीबों की आवाज नहीं बढ़ेगा, लेकिन मान्यवर साहब काशी राम जी, मान्यवर साहब काशी राम जी पंजाब की धरती में पैदा हुए, मान्यवर साहब काशी राम जी ने पंजाब की धरती पे पैदा होकर के इस देश में जो लोग ये कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का चिराग बुझ गया है, बाबा साहब अम्बेडकर का दीपक बुझ गया है, मान्यवर साहब काशी राम जी ने आकर के बाबा साहब अम्बेडकर के चिराग में साथियों घी डालने का, तेल डालने का काम कर दिया है। आज मान्यवर साहब काशी राम जी अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम न लेते इस देश में कांग्रेस पार्टी भी यही थी, इस देश में बीजेपी भी यही थी, इस देश की तमाम पार्टियां चाहे वो सीपीआई सीपीएम के लिए सब लोग यहीं पर थे, कोई बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने के लिए इस देश में तैयार नहीं था। लेकिन धन्य है मान्यवर साहब श्री काशी राम जी जिन्होंने इस देश में अम्बेडकर वाद का नारा लगाया, अम्बेडकर वाद का नारा लगाया। मान्यवर साहब काशी राम जी ने इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को जिंदा किया। आज इस देश में मैं क्या देखता हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री है जो केजरीवाल जी है, अभी एक प्रोग्राम दिल्ली में किया गया, वो सबसे पहले क्या बोलते हैं, जय भीम जय भीम, आज जय भीम के नारे लगाते हैं। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चले गए, वोट के पहले चुनाव से पहले जब लगने लगा कि हाथी आ गया है, बाबा साहब अम्बेडकर की फौज आ गई है, जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने बाबा साहब अम्बेडकर का समारोह जब लखनऊ में मनाया था, पूरा मीडिया के अंदर बीजेपी के लोगों ने विरोध किया, आरएसएस के लोगों ने विरोध किया, इन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे मूर्तियां लगा दी हैं, पत्थर लगा दिए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक बना दिए हैं। आज वही आरएसएस के लोग, आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट लेने के नाम पे बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक गुजरात में बनाते हैं, गुजरात में। ये है धन्य, ये है ताकत आपकी। इसलिए आज गुजरात में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक बनाने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वोट लेना है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में पैदा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में पैदा होने का काम किया। आज अमेरिका के लोग, अमेरिका के लोग जहां बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने के लिए गए, जिस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिका में जाकर के पढ़ाई करने का काम किया है, जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से लेकर के आज तक यूनिवर्सिटी का एक सर्वे किया गया कि इसमें जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से लेकर के आज तक इसमें सबसे
आपका कौन भी नाम की रहा है पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नंबर एक का साक्ष्य दर्ज किया गया है। आज अमेरिका में उस यूनिवर्सिटी ने आज जब मोहम्मद जी वहां के राष्ट्रपति थे बाबा साहब अम्बेडकर का सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से साथियों एक वहां पर बाबा साहब को खिताब दिया गया सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से खिताब दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू लगाया गया यूनिवर्सिटी के गेट पे पूरे अमेरिका में। एक दिन मनाया गया, क्या दिन मनाया गया? वर्ल्ड नॉलेज डे, वर्ल्ड नॉलेज डे मनाया गया बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे अमेरिका में वर्ल्ड नॉलेज डे मनाया गया। और मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को गया है, जयंती 14 अप्रैल को गई है। इस देश में मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आपने बहुत सारे देवी देवताओं के नाम सुने हैं, बहुत राजनेताओं के नाम सुने हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सभी देशों में बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे 200 के 200 कंट्री के लगभग जितने भी हमारे वर्ल्ड में हैं, सारे कंट्रीज में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाने का काम किया गया पूरे वर्ल्ड की ओर से। आज सारा मुल्क बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहा है। अमेरिका के लोगों ने कहा अगर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे मुल्क में पैदा हो जाते अमेरिका इससे 1000 गुना तरक्की और ज्यादा कर जाता। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, क्या कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, इस देश में जो इस देश का कानून चलता था किस आधार पे, मनुस्मृति के आधार पे, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मनुस्मृति के आधार पे ये देश चलता है। इस देश में छोटा बड़ा है, इस देश में गैर बराबरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, 1927 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में मनु के कानून को जलाने का काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी बात साथियों जो काम कोई नहीं कर पाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में कई श्री व्यवस्था को खत्म करके एक नया संविधान में देने का काम किया। आज हमारे देश में संविधान है, आज भारत का संविधान है जिसमें हमें बराबरी मिली है, जिसमें हमें समानता मिली है, जिसमें हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, जिसमें हमें खाने पीने का अधिकार मिला है, जिसमें हमें शान से जीने का अधिकार मिला है, जिसमें हमें जमीन का मालिक बनने का अधिकार मिला है। आज बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस हमारे समाज में बड़ी संख्या में नजर आते हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ना होता कोई चपरासी भी नजर नहीं आने वाला था। ये बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी से आज साथियों आप लोग अपना मंच लगा के, अपना साउंड लगा के, अपना टेंट लगा के, अपना झंडा लगा के, अपना साथियों पर नारा लगा करके आज मंच पे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक समय था हम बोल नहीं सकते थे, अगर बोलते थे हमारी जीभा की धिक्कार दी जाती थी, अगर सुनते थे हमारे कान में दांत डाल दिया जाता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आज देश का संविधान लागू करके जो हमें बोलने नहीं देते थे आज उनकी बोलती बंद कर दी है, बोलती बंद अब नहीं बोल सकते। आज ये बहुजन समाज पार्टी का मंच लगा है, हमारी बहने बैठी हैं बढ़िया बढ़िया कपड़े डाल करके, सुंदर वस्त्र डाल करके, इधर हमारी बहने बैठी हैं, हमारी महिला चार दीवारी से बाहर नहीं आ सकती थी, घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, महिला को पैर की जूती कहा गया, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो महिला देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को, देश के मुख्यमंत्री को, देश में वकील, इंजीनियर, डॉक्टर पैदा करती है वो पैर की जूती नहीं, वो देश की जननी है।
इस देश की महिला को बराबरी देने का काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बार कहा था अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में पैदा ना होते, संविधान ना लिखते, महिला को बराबरी ना देते, क्योंकि नेहरू जी की अकेली बेटी थी इंदिरा गांधी। उन्होंने कहा अगर महिला को बराबरी ना मिलती मैं कभी देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। और बहन कुमारी मायावती जी जो आज हमारी बहन है, हमारी बेटी है, आज बहन कुमारी महिला, आज हमारी महिला बहन कुमारी मायावती जी जो एक गरीब की बेटी है, कोई वो राजा की बेटी नहीं थी, आज उसे चार चार बार यूपी का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। चार चार बार यूपी में मुख्यमंत्री बनने का बहन जी को साथियों मौका मिला है। किसके कारण? संविधान के कारण। अगर ये संविधान हमारा ना होता बहन जी मुख्यमंत्री तो दूर, बहन जी मुख्यमंत्री तो दूर, मंत्री भी नहीं बन सकती थी। इसलिए माननीय बहन जी आज मुख्यमंत्री बनी है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगी, पक्का बनेगी। क्यों? आने वाले समय में बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। अभी अखबारों में आया है, बहुत सारे लेख छपे हैं। क्या छपे हैं अखबारों में? लेख छपे हैं कि देव बहरा जी के गोदे जवाब दे रहे हैं। जयललिता जी चली गई है, करुणानिधि जी बीमार हैं, लालू प्रसाद चुनाव लड़ नहीं सकता, चौटाला साहब चुनाव नहीं लड़ सकते, इस देश के अंदर कौन बचा है? राहुल गांधी जी के बस की बात नहीं है। अगर मोदी जी का कोई मुकाबला होगा, जैसे हिस्ट्री में क्या कहते हैं कि रावण को श्री राम जी ने मारा, हिस्ट्री में कहते हैं कि रावण को श्री राम ने मारा, रावण और राम की राशि है। कहते हैं कंस को कृष्ण ने मारा, कहते हैं कंस को कृष्ण जी ने मारा है और राशि फिर यह सेम है, एक तरफ मोदी एक तरफ मायावती जी, राशि फिर सेम है। जब राम रावण को मार सकता है, जब कृष्ण कंस को मार सकता है, तो मायावती जी मोदी जी को हरा करके इस देश की प्रधानमंत्री पक्का बनेगी। आज अखबारों में आने लगा है, आज मीडिया में आने लगा है, आज मीडिया में आ रहा है। हमें क्या कहते हैं, हमारे वर्कर को क्या कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी कमजोर है। कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम किया, तब कांशीराम साहब ने कहा था कि एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है। ये कांग्रेस के लोग सांपनाथ हैं, बीजेपी के लोग नागनाथ हैं। मेरा पहला मकसद होगा सांपनाथ को मारना। आज कांग्रेस पार्टी के 425 एमपी होते थे, आज कांग्रेस के पूरे देश में 44 एमपी है, 44 एमपी, 425 एमपी बड़ी पार्टी 44 पे आकर के खड़ी हो गई। आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर से खत्म, आज कांग्रेस हरियाणा दिल्ली से खत्म, आज कांग्रेस यूपी से खत्म, आज कांग्रेस बंगाल से खत्म, आज कांग्रेस मध्य प्रदेश झारखंड से खत्म, आज कांग्रेस छत्तीसगढ़ से खत्म, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आज साथियों सारे प्रदेशों से, चाहे उड़ीसा है, चाहे तमिलनाडु है, केरला है, सब जगह से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को खत्म किया है, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी को अगर किसी ने खत्म किया है उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी इंडिया में अकेला इलेक्शन लड़ती है, अकेला अपने नाम पर पूरे इंडिया में। अमिताभ बच्चन जी एक चैनल चलाते हैं, एक प्रोग्राम चलाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में
दिया बीजेपी, नंबर दो पे कांग्रेस, नंबर तीन पे बीएसपी, नंबर चार पे सीपीआई, चार नाम लिख दिए गए और ऑप्शन दे दिया। बताओ कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लड़ी है? अमिताभ बच्चन ने कहा अगर सवाल गलत हो गया 1 करोड़ हार जाएंगे, सवाल ठीक हो गया 1 करोड़ जीत जाएंगे। उसने कहा छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं, उसने कहा जी मैं खेलूंगा। कहता बताओ, उसने कहा भारतीय जनता पार्टी, कहता 1 करोड़ गया। क्यों गया? उसने सोचा था कि बीजेपी के सबसे ज्यादा एमपी जो करके आए हैं, बीजेपी बड़ी पार्टी है। तभी अमिताभ बच्चन ने कहा बीजेपी 20 पार्टियों के साथ लड़ रही है, कांग्रेस भी 20 के साथ लड़ रही है, अकेले अगर इस देश में कोई पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है वो बहुजन समाज पार्टी है। आज अमिताभ बच्चन ने बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करने का काम किया। आज अमिताभ बच्चन कहता है बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अकेले अपने नाम पे लड़ने वाली पार्टी है। काशीराम साहब कहा करते थे एक जमाना आएगा, एक टाइम आएगा, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी होगी, एक तरफ ही सारी पार्टियां होंगी। ये अकेले नहीं लड़ पाएंगे हमारे साथ, हम बीजेपी को चैलेंज करते हैं, हम कांग्रेस को चैलेंज करते हैं। अकेले अकेले मैदान में आकर के दिखाओ, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। बीजेपी ने 20 साल इकट्ठे कर लिए हैं, एनडीए के बंकर में जाके घुस गए हैं। कांग्रेस ने 20 साल इकट्ठे कर लिए हैं, यूपीए के बंकर में घुस गए हैं। ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, एक तरफ एनडीए है एक तरफ यूपीए है। साहब काशीराम जी ने कहा था जब पहले पहला नंबर होगा हम चुनाव हारेंगे हारेंगे जीतेंगे नहीं, फिर दूसरा नंबर आएगा। फिर दूसरा नंबर क्या आएगा? दूसरा नंबर आएगा फिर लोग कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीता तो नहीं है लेकिन इसकी वजह से चुनाव हार गए, हमारी पार्टी को हराने वाला कहेंगे। आज हमें क्या कहते हैं कि बसपा जीती नहीं है, ये हराने वाली पार्टी है, इसने हमें हरा दिया। कोई कहता बसपा ने हमें हरा दिया है, आज बहुजन समाज पार्टी को हराने वाली पार्टी कहते हैं। ये किसने कहा? साहब काशीराम जी ने कहा कि पहला नंबर होगा हम हारेंगे, दूसरा नंबर आएगा हम हराने वालों में आएंगे, हराने वालों में हरा दिया हाथी ने हरा दिया, और तीसरा नंबर आने वाला है। अब आएगा हमारा तीसरा नंबर, और वो नंबर कौन सा होगा? साहब काशीराम जी ने कहा था फिर हम चुनाव जीत कर आएंगे, फिर हम चुनाव जीत करके आएंगे, हम चुनाव जीतेंगे देश में, फिर हमारी गवर्नमेंट बनेगी, हम चुनाव जीत करके आएंगे देश में, फिर हमारी गवर्नमेंट बनेगी। इसलिए साथियों आज उत्तर प्रदेश में हमें हराया गया, मशीन में गड़बड़ करके, मशीन में धोखा करके, ईवीएम में गड़बड़ करके यूपी में हमें हराया। यूपी का जब चुनाव करने आने लगा तब माननीय बहन जी ने कहा मीडिया में आकर के बीजेपी ने वोट से हमें नहीं हराया, इन्होंने हमें मशीन में धोखा करके हराया है। इसलिए ईवीएम बंद करो और बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करो, ये बहन जी ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए कि ईवीएम बंद करो बैलेट पेपर से चुनाव करो, उत्तर प्रदेश में हमें धोखा करके हराया। बहुत सारी पार्टियों ने कहा कि मायावती जी चुनाव हार गई है, मीडिया के लोग अंदर जाकर के सारी कई पार्टियों ने कहा कि मायावती जी चुनाव हार गई है और मशीन का बहाना कर रही है, मशीन का बहाना बना रही है। पहले तो कहा था बहन जी ने जब अखिलेश हारा फिर अखिलेश जी ने भी शोर मचाया कि ईवीएम के कारण हार गए हैं, बहन जी की बात माननी पड़ेगी। अभी तो गुजरात का दर्द नहीं आया है ना हिमाचल का आया है, अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ करके हमें हराया है। ये मान तो जाएंगे जब हाथी जो है और स्पीड बढ़ाएगा फिर सारे मान जाएंगे, जैसे जैसे हाथी की स्पीड बढ़ेगी फिर सारे मान जाएंगे। अब
अभी यूपी में चुनाव हुआ, नगर निगम का चुनाव हुआ यूपी में, वहां निकाय का चुनाव हुआ, 16 मेयर वहां पर बने हैं, 16 मेयर में से 130 साफ प्राणी पार्टी कांग्रेस का एक भी मेयर जीत कर नहीं आया, अखिलेश जी का एक भी मेयर जीत करके नहीं आया। जहां बैठ पेपर से चुनाव हुआ है सारी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत कर आई, जहां ईवीएम में चुनाव हुआ है मशीन से हुआ है वहां बीजेपी जीत करके आई। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की हमारी नेता ने दो मेयर हमने जीतने का काम किया, 165 चेयरमैन भी हमने जीतने का काम किया, बहुत सारे मेंबर हमारे जीत कर आए। मीडिया वाले बंधु मेरे पास यहाँ आए, मीडिया वाले लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश में अभी शहरों का इलेक्शन हुआ है, शहर का गांव में हाथी किसी को टिकने नहीं देगा, अभी तो शहर का इलेक्शन है। जब शहर में भी आकर के हाथी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, शहर में भी आकर के बहुजन समाज पार्टी जीत गई है, अब गांव में जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा, आने वाले समय में यूपी में हमारी सरकार बनेगी। लेकिन साथियों बहन जी ने क्या कहा है, बहन मायावती जी ने क्या कहा है, यूपी का बदला लेना है, कहां से लेना है, हरियाणा से लेना, हरियाणा से यूपी का बदला लेना है, हरियाणा से लेना है। इसलिए हम हरियाणा प्रदेश के सभी विधानसभा में जाएंगे, सभी गांव में जाएंगे, हमने अपनी फौज तैयार करनी है, अपने सैनिक तैयार करने हैं, अपने वर्कर तैयार करने हैं, बड़ी संख्या में अपना संगठन मजबूत करके और फिर लड़ना है। हमारा वोट 100 में से 85 है, हमारा वोट 100 में से 85 है, 15% जो बड़े बड़े रजवाड़े हैं अमीर हैं वो 15% हैं, गरीब इस देश में 85% है, गरीब 85 है अमीर 15 है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट दिया, तब इस देश के मनुवादी लोगों ने सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको वोट दिया है, इनका वोट 85 है, ये वोट से तो हमें हरा देंगे, ये वोट से तो नहीं हमें जीतने देंगे, ये ईवीएम जो शुरू किया गया है ये हमारे वोट को धोखा करने के लिए किया गया है। ईवीएम अमेरिका ने ईवीएम बनाया, कनाडा ने बनाया, अमेरिका कनाडा जापान बहुत सारे कंट्री जिन्होंने मशीन को बनाने का काम किया, जब अमेरिका में चुनाव पेन पेपर से होता है, कनाडा में होता है, जापान में होता है, इंडिया में भी पेन पेपर से चुनाव होना चाहिए, हमारा आंदोलन जारी हो गया है। इस देश में पेन पेपर से चुनाव होगा तब हमें कोई नहीं लड़ा सकेगा, जब अमेरिका मशीन को बंद कर सकता है, जापान बंद कर सकता है, कनाडा वाले बंद कर सकते हैं, इंडिया में भी बंद करवा के रहेंगे हम कि हमें ईवीएम को बंद करो और बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करो। यह आंदोलन हमारा पूरे देश में शुरू हो चुका है, पूरे देश के दौरे पर माननीय बहन जी निकली हैं, पूरे देश का दौरा बहन जी ने शुरू कर दिया है, पूरे देश का दौरा शुरू हो चुका है, बहन जी हरियाणा में भी आएगी, बहन जी को लेकर हरियाणा में हम लोग आ रहे हैं, बहन जी ने प्रोग्राम दिया है 15 मार्च को माननीय बहन जी हरियाणा में आएगी, 15 मार्च को माननीय बहन जी हरियाणा में आएगी। आज के बाद हम लोग पूरे काफले बना करके पूरे रोड शो के माध्यम से पूरे हरियाणा की नब्बे सीट पर हम लोग जाएंगे, हम नब्बे, हम एक विधानसभा में 15-15 20-20 गांव का प्रोग्राम रखेंगे, सारे जिले की गाड़ियां इकट्ठी करेंगे, सारे जिले की मोटरसाइकिल वाले लोगों को जैसे आज आपने बड़ा काफला इकट्ठा किया है ऐसे काफले लेकर के गांव गांव में जाएंगे, 90-90 सीटों पर हम लोग जाएंगे, निमंत्रण देने जाएंगे, रैली को लेकर के जाएंगे, और जिस दिन वो रैली होगी रैली नहीं उसको महारैली हम लोग करेंगे, महारैली। खासकर जितनी हमारी बहनें आई हैं, जितने हमारे भाई आए हैं, नौजवान आए हैं, युवा साथी बड़े संख्या में आए हैं, जैसे आप बहादुरगढ़ में आए हैं, सभी साथियों ने जहां भी प्रोग्राम रखा जाएगा हरियाणा के अंदर सभी साथियों ने आना है,
एक महारैली, महारैली करनी है, इतनी बड़ी रैली करनी है, पूरे इंडिया में जितने मेहंदी के प्रोग्राम होंगे सबसे बड़ा प्रोग्राम हरियाणा वालों ने करना है, सबसे बड़ा प्रोग्राम हरियाणा वालों ने करना है। एक दिन का मेला समत करके आ जाना, एक दिन का मेला समत करके आ जाना कि हमने बहुजन समाज के मेले में जाना है, हमने सार काशीराम जी के, बाबा साहब अम्बेडकर के, बहन कुमारी मायावती जी के जो मिशन है वो लेकर चले हैं उसको पूरा करने के लिए जाना है। उस प्रोग्राम में तन से मन से धन से पूरी ताकत लगाने का अपने काम करना है। इसलिए अब मैं साथियों, देश की जो केंद्र सरकार है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इलेक्शन से पहले एक बात कही थी, मोदी जी ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, जो काम कांग्रेस ने 7 दिन में नहीं किया है मैं 100 दिन में करके दिखाऊंगा। आज 3 साल बीत चुके हैं, मोदी जी ने कहा, बीजेपी ने कहा कि देश का काला धन, सारा धन, कोई बात नहीं, सारा धन लूट करके, सारा धन कांग्रेस ने लूट के, बड़े बड़े डाके मार के, बड़ी डकैती करके सारा पैसा विदेश में जमा कराया है, मेरा राज लेकर के आए, जो काम कांग्रेस के लोग 60 साल में नहीं कर पाए मैं उसे 100 दिन में करके दिखाऊंगा। लेकिन 3 साल बीत गए हैं, ना काला धन आया है, एक आदमी का नाम नहीं बता सकता मोदी साहब कि ये मैंने पकड़ा है, एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया है। 15-15 लाख तो छोड़ो, 15 रुपए भी हमारे खाते में नहीं आए। नोट बंद किए गए, क्या कहा गया कि नोट बंद करने से काला धन आएगा। 500 का नोट बंद किया, 1000 का नोट बंद किया। गरीबों को बहादुरगढ़ में जानने आया हूं किसको कितने नोट मिले हैं, कितने नोट मिले हैं, किसको कितने सरकार ने दिए हैं, 1 रुपया भी नहीं। फिर नोट बंद करने से क्या फायदा हुआ है, क्या मिला है गरीबों को? ये गरीबों के लिए प्रोग्राम नहीं था, टाटा बाटा बिरला डालमिया नहीं है। आप कपड़ा खरीदेंगे, जूता खरीदेंगे, टीवी फ्रिज कूलर खरीदेंगे, मोटरसाइकिल कार खरीदेंगे, अब आपको GST 18% की जगह 2.5% टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स बढ़ा दिया है। आज किसान मजदूर कुछ भी सामान खरीदने जाएगा, आज देश के अंदर GST को साथियों बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। आज किसान भी दुखी है, आज मजदूर भी दुखी है, आज व्यापारी दुखी है, आज कर्मचारी दुखी है। सरकार ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान 1 सर काटेगा हम 10 सर काट के लेके आएंगे। जब से मोदी जी देश के PM बने हैं, जितने ज्यादा सैनिक मोदी जी के राज में मरे हैं, कभी इतने सैनिक हमारे शहीद नहीं हुए। बहुत सारे हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, बहुत सारे सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, जितने ज्यादा सैनिक इसके राज में शहीद हुए कभी शहीद नहीं हुए हैं। इसलिए इसने देश के सैनिकों को, बहुत सारे नौजवानों को, साथियों मैं कहूंगा हमारे देश को कमजोर करने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, क्या कहा था कि सब गरीबों को मकान देंगे, सब गरीबों को मकान देंगे। अब क्या कहते हैं मोदी साहब कि मकान तो देंगे लेकिन 2022 में देंगे, राज 19 तक रहेगा, मकान 22 में देने की बात करते हैं, राज 19 तक रहना है। अभी क्या होगा मैं सावधान कर रहा हूं आप लोगों को, आपके घरों में BJP के लोग आएंगे, RSS के लोग आएंगे, आपके फार्म भरने आएंगे, आपको कहेंगे फार्म भरो आपको मकान मिलेगा, आपके फार्म भरवा के लेके चले जाएंगे। जब 19 का इलेक्शन आएगा फिर आएंगे BJP वाले, आपके मकान का हमने फार्म भरा है, अगर वोट BJP को देंगे तब मकान बनेगा, अगर आपने किसी और को वोट दे दिया फिर मकान नहीं बनेगा। 3 साल बीत गए हैं, ना काला धन आया, ना महंगाई रुकी, ना नौकरी मिली, ना मकान मिला, आगे भी नहीं देंगे, ये झूठ बोलते हैं। इसलिए बेकाबू में मत आ जाना कि कहीं फार्म भरने के चक्कर में कि हमें मकान मिलेगा, ये नहीं मकान देने वाले हैं। इसलिए आज पूरे हरियाणा में हमारी आंगनवाड़ी की महिलाएं जो सर्विस करती हैं, आंगनवाड़ी की महिला पूरे हरियाणा में हड़ताल पे, पूरे हरियाणा में, उसे वेतन नहीं दिया जाता,
जिम्मेदारी दी गई थी उनको हटाने का काम किया। आज सारे जिले जितने दफ्तर हैं डीसी के, डीसी साहब के दफ्तर के सामने में सब नर्सें डॉक्टर धरना लगा के बैठे हैं, सब मास्टर धरना लगा के बैठे हैं। इन्होंने नौकरी देना था दूर, जिनको नौकरी दिया गया था उनका नौकरी छीनने का काम किया। मोदी जी ने नारा लगाया, खट्टर साहब ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया। अभी सोनीपत में थानक समाज की 22 साल की लड़की को उठाया गया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, बलात्कार करके टुकड़े टुकड़े करके मारा गया, रोते की झाड़ियों में फेंक दिया गया, कुत्ते नोच के खाते रहे, कीड़े पड़ गए, लड़की की डेड बॉडी भी उठाने लायक नहीं थी। ना खट्टर साहब आया, ना मोदी साहब आया, अमित शाह बीजेपी का प्रधान रोहतक में आया, एक दलित के घर में खाना खाने का नाटक करता है अमित शाह, लेकिन जिस दलित लड़की को बलात्कार करके मारा गया, टुकड़े टुकड़े किए गए, खट्टर साहब के पास अमित शाह के पास उस घर तक जाने का टाइम नहीं था। कौन गया वहां पर? अगर कोई गया, हमारी बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम सोनीपत में गई, लड़की के घर गए, हमने गुंडे लोगों को जेल भिजवाने का साथियों काम किया, हम लोगों ने एजिटेशन किया, लेकिन ये खट्टर साहब नहीं गया, अमित शाह नहीं गया। अभी मैं पुराना में गया, 6 साल की लड़की, 6 साल की बच्ची को उठाया, 6 साल की बच्ची को गुंडे ने उठाया, उसका बलात्कार किया, उसके गुप्तांगों में सरिये डाल करके बहुत बुरी तरह से बच्ची को मारा गया। 6 साल की बच्ची से क्या दुश्मनी हो सकती है? 6 साल की बच्ची को बहुत बुरी तरह से मारा गया। हम बेटी वाले लोग हैं, बेटी किसी की भी होती है, सबकी बराबर होती है, बेटी बेटी होती है। उकलाना में 6 साल की बच्ची को रेप किया गया, फिर मर्डर किया गया, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। ये सरकार पूरी तरह से फेल सरकार है। प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले पूछते हैं कि मोदी साहब जिससे आपने शादी किया था उसको तलाक दिया है या उसको छोड़ा है, 498 लगी है, कौन सी लगी बताओ? आज कोई जवाब नहीं है। वो भी किसी की बेटी है जिसे मोदी जी ने शादी किया था उसे ही छोड़ दिया। किस बेटी की रक्षा करने की बात करते हैं? कौन सी बेटी की रक्षा करने की बात करते हैं? नरेंद्र मोदी साहब जो अपनी गृहस्थी को नहीं संभाल पाए वो देश को संभालने की बात करते हैं, इसलिए मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के देश को कमजोर करने का काम किया है। आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। गांव-गांव में मैं जा रहा हूं, अभी क्या किया है कि महंगाई कम करेंगे, बिजली के बिल माफ करेंगे, लेकिन अब मीटर घर से बाहर लगा रहे हैं, पोल पे मीटर लगा रहे हैं, पोल पे मीटर लगा रहे हैं, 5,000 का बिल, 7,000 का बिल, 10,000 का बिजली का बिल आ रहा है। हमारे गरीब आदमी के घर में 2 बल्ब जलते हैं, 2 पंखे चलते हैं, 1 टीवी चलता है, कितना बिल आना चाहिए उसका, कहां से बिल आना चाहिए? लेकिन 5,000, 10,000, किसी का 15,000, 20,000 ये मीटर लगाए गए बाहर, बिल भेज रहे हैं। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी का राज आएगा, ना घर के अंदर मीटर होगा ना घर के बाहर मीटर होगा। अब ये मीटर मुटर उतार के फेंक देंगे सब। हमने क्या करना है? गरीब आदमी के घर का 1 रुपया बिजली का बिल होगा एक दिन का, सिर्फ महीने का 30 रुपया बिल, सिर्फ 30 रुपया बिल, एक दिन का 1 रुपया बिजली का बिल। हमने मशीन नहीं चलानी, हमने कोई बड़ा मशीनरी नहीं चलानी। गरीब के घर में 2 बल्ब जलते हैं, 2 पंखे चलते हैं, 1 टीवी चलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। छोटे छोटे मकान हमारे हैं, गरीब के घर का 1 रुपया बिजली का बिल एक दिन का किया जाएगा, 30 रुपया महीना लेंगे, ना मीटर अंदर होगा ना मीटर बाहर होगा। ये कहते हैं हम बिजली के बिल माफ करेंगे। अगर किसी का बिल 20,000 आया है, 30,000 आया है, 40,000 आया है, अगर वो बिल नहीं दे पाया, हम सारे बिल माफ करेंगे गरीबों के पिछला माफ, अगला 1 रुपए के हिसाब से देना है, बस कुछ पिछला सारा खत्म। सर छोटू राम जी का नाम सुना है? सर छोटू राम जी के बारे में कहते हैं
सारे काटे मार दिए थे, सब लकीर फेर दी थी। भाई ये जो सेठिये हैं इनकी भाई पर लकीर मारने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार करेगी। अभी मोदी जी ने नारा लगाया कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, कांग्रेस के लोग भी नारा लगाते हैं हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, करो पर करते नहीं है, किसान का भी नहीं करते हैं, लेकिन मजदूर की बात कोई नहीं करता कि मजदूर का भी कर्जा माफ हो। इसलिए हम ये कहते हैं किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मजदूर का कर्जा माफ होना चाहिए, मजदूर का भी कर्जा माफ होना चाहिए। मजदूर ने क्या कसूर किया है? मजदूर देश का नागरिक नहीं है। किसानों के कर्जे माफ हो, लेकिन उससे पहले मजदूरों के भी साचे कर्जे माफ होने चाहिए। ये क्या कहते हैं? हम सघन स्कीम देंगे, हम सघन स्कीम देंगे, आपकी लड़की को सघन देंगे शादी में। कोई कहता है 21,000, फिर कांग्रेस बड़े आते हैं वो कहेंगे 31,000, फिर अगले बार बीजेपी बड़े आएंगे वो कहेंगे 41,000, फिर बीजेपी कांग्रेस के लोग आएंगे 51,000। ऐसे बोली लगाते हैं जैसे भैंस खरीदनी हो। ये करते हैं हमारी मदद, कहेंगे शादी के टाइम पर अगर लेट गए के लेट आए हैं अब शादी चली गई, अगर पहले चले गए फिर कहेंगे अभी शादी दूर है अभी क्यों आ गए, देना तो है नहीं है। लेकिन बहन जी क्या कहती है, बहन कुमारी मायावती जी क्या कहती है कि बहन को शगन नहीं, बहन के भाई को सरकारी नौकरी देने का काम करो, बहन के भाई को सरकारी नौकरी देने का काम करो। अगर बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में राज आएगा, एक परिवार और एक सरकारी रोजगार देने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। एक परिवार में सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। अगर प्रत्येक परिवार में सरकारी नौकरी होगी तो भाई गरीबी दूर हो सकती है। ये क्या कहेंगे बीजेपी बड़े कांग्रेस बड़े के अनपढ़ को कैसे नौकरी देंगे? ये जितनी सड़कें बन रही हैं मैं देखता हूँ सारे अनपढ़ मजदूर लगे रहते हैं, जितने पुल फ्लाईओवर अनपढ़ मजदूर, रेल लाइन अनपढ़ मजदूर, बिजली के पोल अनपढ़ मजदूर, बड़ा स्कूल बिल्डिंग कॉलेज हॉस्पिटल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बड़े बड़े सरकार की बिल्डिंग सब अनपढ़ मजदूर बनाता है। हम क्या करेंगे? हमने जो हमारे अनपढ़ लोग हैं अनपढ़ भाई हैं उनको हम मजदूरी में भर्ती करके, उनको हम लेबर के अंदर भर्ती करके एक परिवार के मेंबर को सरकारी नौकरी देने का काम करें। जो हमारे बच्चे जिन्होंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, बीएड किया है, जेबीटी किया है, सीएनएम एएनएम किया है, जो डिग्री डिप्लोमा होल्डर होंगे, कोई क्लर्क लगेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, उसके लिए भी हमारे पास बड़ा प्रोग्राम है पूरे देश के अंदर। पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी पढ़े लिखे को उनकी जैसी योग्यता होगी उसके आधार पे काम देने का काम करेगी, और जो हमारे अनपढ़ लोग होंगे उनको भी रोजगार देने का काम हमारी गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन ये बीजेपी के लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी कहते थे मैं चाय बेचता हूं, अब मोदी जी ने पंतारी रेलवे स्टेशन बेच दिए हैं, कल को रेल लाइन बेचेंगे, परसों को रेलगाड़ी बेचेंगे, ये पूरा देश बेचने में लगे हैं, रोडवेज को प्राइवेट कर रहे हैं। रोडवेज को अगर प्राइवेट करेंगे तो क्या होगा? ना कंडक्टर लगेगा, ना ड्राइवर लगेगा, ना मैकेनिक लगेगा, कोई भी नहीं लगेगा। अगर रोडवेज प्राइवेट हो जाएगा एक मालिक का फायदा होगा, लेकिन अगर रोडवेज सरकारी रहेगा तो फिर उसमें कंडक्टर भी लगेगा, ड्राइवर भी लगेगा, क्लर्क भी लगेगा, मैकेनिक भी लगेगा, बहुत सारी वर्कशॉप के अंदर बहुत सारे मैकेनिकों की जरूरत होती है। लेकिन ये सरकार रोडवेज को साथियों खत्म करना चाहती है, बिजली बोर्ड को खत्म करना चाहती है, शिक्षा को खत्म करना चाहती है। आज गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आज हमारा गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता है सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में क्या है, हमारे बच्चे जाते हैं उनका दिमाग कहाँ रहता है? थाली में रहता है, प्लेट में रहता है। आज क्या मिलेगा, आज क्या मिलेगा मिड डे मील में? लेकिन बहन जी का राज यूपी में आया था, माननीय बहन जी ने क्या किया, हमारी लड़कियों को हमारे लड़कों को 10-10 हजार रुपया, 20,000, 25,000, जैसे जैसे बड़ी क्लासे होती गई माँ बाप को
पैसा दिया, लड़की को आने जाने के लिए स्कूल में साइकिल दिया, उसको वजीफा दिया, वर्दी फ्री किया, किताब फ्री किया, पढ़ाई को मुफ्त किया, और ये कहा कि पैसा दे रहे हम अपने बच्चों को पौधे खिलाओ चाहे बादाम खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं, हम मिड डे मील योजना लागू कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का दिमाग किताब में नहीं प्लेट में रहना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। इन्होंने सोचा मनुवादियों ने कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तो लागू कर दिया है, लेकिन हम इनका सबसे पहला नारा बाबा साहब का जो शिक्षित बनने वाला है उसी को खत्म कर देते हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों में अगर मास्टर है तो बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग है तो मास्टर नहीं, मास्टर बिल्डिंग है फिर किताब नहीं, कुछ भी नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम एक पॉलिसी लेकर आएंगे कि जो भी मुख्यमंत्री है, जो भी देश का मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेंगे, जितने भी एसएमएसपी हो, जे एसडीएम, तहसीलदार, डीसीएसपी, मास्टर, डॉक्टर, जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। जब डीसी का बेटा, जब चपरासी का बेटा, डीसी का बेटा एक ही कमरे में बैठ के पढ़ेगा, कमरे भी बढ़िया बढ़ जाएंगे, एसी वाले कमरे बढ़ जाएंगे, बढ़िया बड़े कॉन्वेंट स्कूल बन जाएंगे, बढ़िया बड़े मास्टर आ जाएंगे। इनकी नीति ठीक नहीं है, हमने कुछ नहीं करना है, हमने केवल अपनी नीति को ठीक करना है, नीति को बदलना है, हमने सारे शिक्षा के महकमे को सरकारी करना है, बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया एसी बिल्डिंग, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर जैसे बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई जाती है पहली क्लास से, सारे सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी, कॉन्वेंट स्कूल, बड़ी एजुकेशन सरकारी स्कूलों में लागू करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी, ताकि हमारे बच्चे कमजोर ना रहे। इस देश में पढ़ाई मुफ्त, आज हमारे लोग, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं, कितने लाख रुपए लगेंगे, इसका वाल बदला जाएगा, 2 लाख लेकर आओ, वाल बदला जाएगा। गरीब के पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी बिना इलाज के मर जाता है, इसलिए अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, दवाई और पढ़ाई दोनों मुफ्त होगा, चाहे 5 लाख लगे, चाहे 10 लाख लगे, चाहे 1 करोड़ रुपया लगे, लेकिन किसी को मरने नहीं दिया जाएगा, दवाई की वजह से किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। इसलिए साथियों, हरियाणा प्रदेश में ये जो खट्टर साहब की सरकार बनी है, पता कहां है वो सरकार, हिमाचल के परमाणु में बैठी सारी सरकार, हिमाचल के परमाणु में टिम्बर ट्रायल, 5 स्टार एक होटल है हिमाचल में, वहां बैठे हैं। मीडिया के लोगों ने पूछे खट्टर साहब को क्या करने गए हैं, कहता सोचेंगे बैठ करके, कहा कहते परमाणु में सोचेंगे बैठ करके, क्या सोचेंगे कि कैसे हरियाणा का नाश और करना है, कैसे हरियाणा का नाश करना है। 3 बार तो कर दिया हरियाणा का नाश, बहुत सारे नौजवान मरवाए, बसे फुकवाई, ट्रेने रखवाई, पूरे हरियाणा में कतलेआम कराया, अब ये करने गए कि जो बचा कुचा और तो देते हैं, मामला कैसे नाश करना है। हरियाणा के लोगों ने वोट दिया, हरियाणा के लोगों ने सरकार बनाई, हरियाणा के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, इतनी बड़ी विधानसभा हमारी जो सेक्रेटरिएट है वहां बैठ के नहीं सोच सकते, सोचने के लिए भी हिमाचल की पार्टियों में गया मुख्यमंत्री खट्टर साहब। 1 साल का टाइम है खट्टर जी, 1 साल का टाइम, ये जनता पूरी तैयार बैठी है, आने वाले समय में हिमाचल की पहाड़ियों में भेजने का काम परमानेंट करेंगे, आपके लिए परमानेंट वहीं बैठे रहना पहाड़ी, हरियाणा में आने की जरूरत नहीं है। हमें ये खट्टर सरकार नहीं है, बिल्कुल कटारा सरकार है, ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आज प्रदेश में किसान धरने पे है, आज प्रदेश का मजदूर एजिटेशन पे है, किसान एजिटेशन पे है, कर्मचारी एजिटेशन पे है, और ये मोदी साहब की सरकार, बीजेपी की सरकार क्या कह रही है, संविधान बदलो। विश्व हिंदू प्रसिद्ध बड़े कह रहे हैं संविधान बदलो, प्रवीण तोगड़िया कहता है संविधान बदलो, मोहन भागवत जी कहते हैं संविधान बदलो, लेकिन बहन जी ने नारा लगाया है, जैसे साहब ने कहा था
सरकार में बदलने का काम करेंगे। आज पूरे इंडिया में ऊना कांड हुआ, ऊना में हमारे लिए पूरे देश के मरे पशु उठाते हैं, पूरे देश के मरे पशु की खाल उतारते हैं, हड निकालते हैं। हम पूरे देश के अंदर मरे पशु उठाते हैं, उनकी खाल निकालते हैं, हड्डियां निकालते हैं, लेकिन जब वो तैयार हो जाते हैं कच्चा माल, फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाता है, फिर बड़े बड़े शोरूम बड़े बड़े सेठों के हैं। वो सेठ जो वहां पर जूता बेचने का काम करते हैं, उनको कोई जवार नहीं कहता है, उनको कोई जवार नहीं कहता है। अगर पंडित जी ने दुकान खोल रखी है तो वो पंडित जी है, जूते बेच रहा है। अगर सेठ जी ने, किसी अग्रवाल साहब ने दुकान खोल रखी है, वो जूते बेचने वाला भी अग्रवाल साहब है। अगर कोई हमारा दलित भाई, जिसको ये कहते हैं शेड्यूल कास्ट वाला, जूते की दुकान खोलता है, उसको कहते हैं चमार है। भाई जो जूते बेचने वाला सारे चमारी का हो ना, फिर सबको चमार क्यों नहीं कहते? इसलिए अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी, जब हम खाल उतार सकते हैं, हड निकाल सकते हैं, तो हम जो लोग इस काम को करने वाले हैं, उनको कई कई करोड़ रुपए के लोन देके, प्लांट देके, उनकी फैक्ट्री लगवाने का काम करेंगे। जूते बनाओ, जब खाल उतार सकते हैं तो जूते भी बना सकते हैं। और जो हमारे साथ गड़बड़ करेगा, फिर जूता बनाने के बाद जूते के साथ दिमाग ठीक भी कर सकते हैं, ये भी काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अलग से एक डिपार्टमेंट हरियाणा में बनाना पड़ेगा कि हम लोग इस देश के अंदर मरे पशु उठाते हैं, खाल उतारते, गंदगी साफ करते हैं, और जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, जो हमारे सफाई करने वाले भाई हैं, चाहे वो शहर में हैं, चाहे वो गांव में हैं, उनको लगाया गया है कच्चा, लगाया गया कच्चा, कच्ची नौकरी है, कोई पक्की नौकरी नहीं है, उनको ठेके में लगाया गया है। अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो गांव में होंगे, चाहे वो शहर में होंगे, ठेकेदारी सिस्टम खत्म, सारे सिस्टम को परमानेंट किया जाएगा, जैसे यूपी में बहन जी ने किया, 1,10,000 सफाई कर्मचारी भर्ती किया है। अमेरिका में, कनाडा में सफाई कर्मचारी कार में बैठ के जाता है, लेकिन यूपी का सफाई कर्मचारी मोटरसाइकिल पे बैठ के जाता है। आज जाकर के पूछना, 30-30, 40-40 हजार रुपया हमारे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह यूपी में है। अगर हरियाणा में राज आएगा, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे नगर निगम है, चाहे गांव है, सफाई कर्मचारियों को पक्का भर्ती करने का काम किया जाएगा। जो हमारी आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, इनके डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट का दर्जा देके पूरा इनकी नौकरी को पक्का करने का काम सरकार करेगी। ये बात आपने गांव गांव में जाकर के कहना है, जिनको सरकार ने नौकरी नहीं दी, चाहे वो एनआरएचएम के तहत जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लोग काम करने वाले हैं, जेबीटी के लोग हैं, जिनको हटाया गया है, जिनको सरकार हटा रही है, उनको नौकरी लगाने का काम बहुजन समाज पार्टी साथियों कर सकती है। अगर गरीबों का राज आएगा तब जाकर के होगा। इसलिए देश की कट्टर साहब, हरियाणा की कट्टर साहब की सरकार फिर सरकार है, देश में मोदी साहब की सरकार फिर सरकार है। इस कट्टर साहब ने हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी आंदोलन चला, जाट समाज के हमारे भाई, उन्होंने कहा हमें रक्षण चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे जाट समाज के भाइयों को 1932 में कहा था, मेरे साथ आओ, हम आपको रक्षण देंगे, मेरे साथ आओ। लेकिन आज भी जब रक्षण की बात आई, कोई देश में नहीं बोल पाया, ना हुड्डा साहब बोल पाए, ना कोई और नेता बोल पाया। अगर जाट समाज के रक्षण के लिए किसी ने कहा, माननीय बहन जी ने कहा कि शेड्यूल कास्ट का रक्षण है, ओबीसी का रक्षण है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन इनके लिए अलग से रक्षण का प्रबंध करना चाहिए। बहन जी ने कहा, पूरे हरियाणा प्रदेश में कहा कि किसी के साथ गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कल मैं छात्र में गया, जाट समाज के भाइयों ने हमें पगड़ी और देकर के सिक्कों में तोड़ करके सम्मानित करने का काम किया कि बहन जी हरियाणा में आएगी, अगर बहन जी हरियाणा में आएगी, हम बहन जी का सम्मान करेंगे, बहन जी का स्वागत करेंगे। इसलिए साथियों, आज बहादुरगढ़ में हम लोग आए हैं, कल हमारे कार्यक्रम जींद में थे, रात मैंने जींद में बड़ी ज्वाइनिंग कराने का काम किया, और आने वाली
आने वाली 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश में एक और बड़ी ज्वाइनिंग होगी, एक और बड़ी ज्वाइनिंग होगी। आपको 20 तारीख को शाम को टीवी चैनल पे देख लेना, आप टीवी चैनल पे देख लेना। ये जो बीजेपी वाले हैं इनके कई एमएलए हाथी पर बैठने के लिए तैयार हो रहे बीजेपी वाले, कई एमपी बीजेपी के सिटिंग एमपी हाथी पर बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम इसलिए आए हैं बहादुरगढ़ वाले कि आप उनसे पहले बैठ जाओ, हाथी हमारा है, आप पहले बैठ जाओ, हाथी हमारा है। बहुत सारे लोग हाथी के पीछे पड़े हैं कि हमें बैठाओ। ये हरियाणा प्रदेश में मान्यवर साहब काशीराम जी ने चौधरी देवीलाल को हाथी पर बैठाया था, हाथी पर। साहब काशीराम जी ने चौधरी बंसीलाल को भी हाथी पर बैठाया था। साहब काशीराम जी ने देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी हाथी पर बैठाया था यूपी में। इस देश के अंदर वाजपेयी अडवाणी साहब को भी काशीराम साहब ने यूपी में हाथी पर बैठाया था। हम क्या कह रहे हैं, हरियाणा में हमारा हाथी तैयार खड़ा है, जिसने बैठना बैठे सवारी तैयार खड़ी है, हाथी सबका साथी। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है भाई, हाथी पर कोई बैठे हमारा हाथी तैयार खड़ा है। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि कोई जोड़ तोड़ भी होगा। हमने कहा, काशीराम साहब कहा करते थे कि हम 85% लोग हैं, एक तरफ 15% लोग हैं, 85 का वोट ज्यादा है, हमारा देश में वोट ज्यादा है। अगर हम 85% लोग अपना जोड़ मजबूत कर लेते हैं, हमें किसी दूसरे जोड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वोट ही 85 है, हमारा तो वोट ही 85 है। लेकिन माननीय बहन जी ने इस बात के लिए भी इशारा किया है कि अगर हम अपने आप को मजबूत करेंगे, अगर कहीं किसी प्रकार के जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी बहुजन समाज पार्टी तैयार है, उसके लिए भी तैयार है। हम आपको कह रहे हैं, इस बार हमने हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करना है, सरकार बनाने का काम करना है। तो साथियों, सरकार बनाने के लिए हमें दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, हमें लगना पड़ेगा, गांव गांव में जाना पड़ेगा, ये हम सबकी ड्यूटी है। हमें गांव गांव में जाकर के अपनी पार्टी की बात को मजबूत करना पड़ेगा। गांव गांव में हमारी पार्टी के बारे में एक प्रचार करते हैं, क्या प्रचार करते हैं, कहते शेड्यूल कास्ट की पार्टी है, ये शेड्यूल कास्ट की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बताना जाके गांव गांव में, हमारा पहले एमएलए जीत कर हरियाणा में आया नरेंद्रगढ़ से, सुरजीत कुमार धीमान जांगड़ा जीत कराया, पहला एमएलए हमारा जांगड़ा जीत कराया, सुरजीत कुमार धीमान नरेंद्रगढ़ से जांगड़ा जीत कराया, दूसरा एमएलए हमारा जगाधरी से डॉक्टर बिशनलाल सैनी जीत कराया, तीसरा एमएलए हमारा छछरौली में चौधरी अर्जुन सिंह गुज्जर जीत कराया, चौथा एमएलए हमारा हरियाणा में चौधरी अकरम खान जीत कराया, अभी पांचवा एमएलए हमारा पृथला में टेकचंद शर्मा जीत करके आया। बताओ कौन सा दलित है, बताओ कौन सा दलित है, बताओ कौन सा शेड्यूल कास्ट है। एक भी एमएलए हरियाणा में शेड्यूल कास्ट का नहीं जीता है। ब्रह्मण जीत गया, सैनी जीत गया, जांगड़ा जीत गया, मुसलमान जीत गया और गुजर जीत गया। पार्टी कहते शेड्यूल कास्ट की है, पार्टी शेड्यूल कास्ट की है। इसलिए हमारी पार्टी भाई ब्राह्मण के लिए भी तैयार है, हमारी पार्टी बढ़िए के लिए भी तैयार है, हमारी पार्टी ठाकुर के लिए भी तैयार है, हमारी पार्टी बैकवर्ड के लिए भी तैयार है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी तैयार है, जाट के लिए भी तैयार है, सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए हमारा हाथी तैयार खड़ा है। कोई बैठे ना बैठे उसकी जिम्मेवारी है, हमारा हाथी तैयार खड़ा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, हम सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। मैं अपने वर्करों को एक बात कहूंगा, ना हमने निर्णकारी के खिलाफ बोलना है, ना किसी राधा स्वामी वाले के खिलाफ बोलना है, ना हमने राम रहीम के किसी वर्कर के किसी शिष्य के खिलाफ बोलना है, हमने किसी मिशन के खिलाफ नहीं बोलना, हमने किसी देवी देवता को गाली नहीं देनी है। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर को प्यार करते हैं, तो जो लोग पहाड़ को मानते हैं, वृक्ष को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, उनकी आस्था हो सकती है। इसलिए धर्म के मामले में नहीं जाना है। हमारे देश में अंग्रेज आए,
अंग्रेजों ने पहले क्या काम किया, हमारे इंडिया पे राज किया, राज अपना उन्होंने शासन कायम किया, फिर अपनी अंग्रेजी लागू की और अपना धर्म ईसाई लागू कर दिया, फिर मुगल आए, उससे पहले मुगल आए, साथियों मैं कहूंगा कि मुगल भी हमारे देश में आए, मुगल आए उन्होंने राजपाट पे कब्जा किया, फिर अपना धर्म लागू कर दिया, फिर अपनी भाषा लागू कर दी। इसलिए धर्म के मामले में नहीं जाना है, हमने किसी धर्म को कुछ नहीं कहना, कोई ईसाई बने, कोई सिख बने, कोई हिंदू बने, कोई मुसलमान बने, ये उसकी आस्था का प्रश्न है। हमने किसी धर्म पर कोई अटैक नहीं करना, किसी मिशन पर अटैक नहीं करना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, हाथी वाला बटन दबा करके देश की प्रधानमंत्री बहन जी को बनाना है, हरियाणा में अपनी सरकार बनानी है। एक बार राजपाट लेकर के आ जाओ, एक बार अपना राज ले आओ, आपका राज आएगा तो साथियों गुंडा जेल में होगा, गुंडे सारे जेल में होंगे। उत्तर प्रदेश में बहन जी का राज आया था, तब वहां के लोगों ने कहा कि बहन जी कहती मैं गुंडों को अंदर करूंगी, कैसे करेगी, कैसे पकड़ेगी। एक थाना है ना बाधरगढ़ का, जो बाधरगढ़ का थाना है, इस थाने में एक नंबरी का भी फोटो लगा है, 10 नंबरी का भी लगा है, कितने एक नंबरी कितने 10 नंबरी सब लगे बाधरगढ़ में। बहन जी ने यूपी के थानेदारों को कहा सारे उत्तर प्रदेश के गुंडे बताओ कितने 24 घंटे में। एक रिपोर्ट आई 1,48,000, 1,48,000 गुंडे सब थानों से रिकॉर्ड आ गया। अगले 24 घंटे में माननीय बहन जी ने ऐलान किया सारे गुंडे 1,48,000 गुंडे जेल में बंद, ना कोई दलील ना कोई अपील, सारे गुंडे जेल में बंद कर दिए गए थे। हरियाणा में भी करेंगे, हरियाणा में भी करेंगे, जितने गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं सबको साथियों जेल की सलाखों के पीछे फेंकने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। इसलिए हम हरियाणा प्रदेश में मजबूती के साथ लगना है, गाँव गाँव में जाना है, अपना संगठन मजबूत करना है, अपने संगठन को गाँव गाँव में जाकर के हमने मजबूत करना है। हमारी महिलाएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, ये बड़ा काम कर सकती हैं। ये कैसे काम कर सकती हैं? 4-5 साल पहले की बात है, मैं एक बार पंचकुला में रुका हुआ था, एक बार पंचकुला में रुका तो एक बहन आई रात को, कोई 10-11 बजे की बात है, मैं किसी के घर पे रुका था, उसने मेरा हाथ चेक किया कि भाई साहब आपके हाथ के रगड़ी बंधी है। मैंने कहा मेरी तो रगड़ी नहीं बंधी है। मैंने कहा क्या करना है? कहते अभी अभी टेलीफोन आया है, जो ये बहन अपने भाई के हाथ से रगड़ी नहीं खोलेगी उसके भाई मरेंगे, उसके भाई मरेंगे। मैंने कहा मैंने तो रगड़ी बांधी नहीं है, दिन में रक्षा करी भाई की, रक्षाबंधन बांध करके दिन में रक्षा कर दी भाई की, मिठाई खाई, मिठाई खाई, पैसे लिए, रात को 11 बजे फोन आ गया कि भाई अगर रखड़ी नहीं खोली सारे भाई मरेंगे। कोई नहीं मरा, लेकिन सारे देश की रखड़ियां 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक सारे देश की रखड़ी खुल गई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ना रात को अखबार बड़े आए, ना टीवी बड़े आए, ना चैनल बड़े आए, ना हमने जाकर कहा, पर 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सारी रगड़ियां खुल गई। इतनी बड़ा चैनल है इनका हमारी बहनों का, इतना बड़ा सिस्टम इनके पास है। आपने इलेक्शन से एक दिन पहले, जब इलेक्शन आएगा वोट आएगा, एक दिन पहले फोन करना है अपने सब रिश्तेदारों को, अपने घरों में फोन करना है, सब रिश्तेदारों को फोन करना है, सबके पास फोन है, क्या फोन करना है कि कल को वोट होगा हाथी वाला बटन दबा देना, नहीं तो सारे मरेंगे। हाथी वाला बटन दबा देना, नहीं तो सारे मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। ये टेलीफोन करना पड़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, 400 वाला सिलेंडर 800 का हो गया, रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, जो लगाए गए थे हटा के रख दिए हैं, सारे महकमे खत्म सरकार कर रही है, नौकरी दे नहीं रही है, 5 करोड़ की बात चली गई, आज काला धन वाला कोई नहीं आ रहा है। इसलिए ये बात मैं बहनों से कहूंगा, जितना प्रचार हमारी बहन कर सकती है उतना प्रचार एक महिला कर सकती है, उतना प्रचार हमारा पुरुष नहीं कर सकता है। महिला चुप नहीं बैठती है, जहां भी जाएगी बोलती रहेगी, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, आपस में अगर 2 महिलाएं जा रही ना, चाहे वो एक ही गांव से एक ही घर से है, आपस में बात कर लिया करो, 22 बार आपके गांव में किसकी वोट
किसी को क्या अपना पढ़ बैठी है, आप ये कहो भाई किसकी जोर हो रहे आपके इलाके में, हाथी बड़ों का बहुत जोर हो रहा है, ये हवा कैसे बढ़ती है, ये प्रचार कैसे होता है। आप मैं भाइयों को भी कहूंगा, कर्मचारियों को जो ट्रेन में बैठते हैं, युवाओं को कहूंगा, आप कहीं बस स्टैंड पे खड़े हैं, कहीं आप साथियों रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, कॉलेज में खड़े कहीं खड़े हैं, आप उसमें चर्चा करो भाई, बीजेपी तो जाएगी, बीजेपी तो खत्म, आगे बीजेपी नहीं आएगी, कौन आएगा भाई। इस बार हमारे इलाके में तो चर्चा सारे करे बीएसपी आएगी, इस बार तो बीएसपी आएगी, इस बार तो बहुजन समाज पार्टी आएगी। जैसा हमारा प्रचार होगा वैसा साथियों हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम करेगी। इसलिए हरियाणा प्रदेश के सारे गांवों में हम लोग जाने का काम करेंगे। और माननीय बहन जी 15 मार्च को हरियाणा प्रदेश में आएगी एक बड़ी महारैली हम करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी महारैली होगी कि जहां भी होगी वो शहर रैली के बीच में होगा, रैली शहर में नहीं होगी, शहर रैली के बीच में होगा, बड़ी रैली हमने करनी है। इसलिए साथियों आने वाले समय में अगर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करना है, उनको श्रद्धांजलि देनी है, संकल्प लेने आए हैं, ये संकल्प लेकर के जाना है, काशीराम साहब के मिशन को पूरा करना है, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करना है। आप लोगों ने लिखा है उधर बोर्ड लगा है, बड़ा बोर्ड लगा है, बाबा साहब अम्बेडकर की कोटेशन लिखी है वहां पर के मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल के साथ यहां तक लाया हूं, अगर इस कारवां को आप आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना, ये बाबा साहब कह रहे हैं, ये अम्बेडकर साहब ने कहा। और काशीराम साहब ने क्या कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपका अधूरा मिशन हम करेंगे पूरा। अब हम कह रहे हैं साहब काशीराम जी ने हमें जगाने का काम किया, आज बेड़ तुम्हारी मायावती जी हमारी नेता है, अब हम देश में नारा लगाएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपका अधूरा मिशन हम सब मिलके करेंगे पूरा। बहन कुमारी मायावती जी के लीडरशिप में हमने काम पूरा करना है। इसलिए हरियाणा प्रदेश के अभी हमारी युवा शक्ति जैसे यूनिवर्सिटी रोहतक में प्रोग्राम हुआ है, अभी मैं महेंद्रगढ़ में गया, वहां पर पाली में एक यूनिवर्सिटी बनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां पर मेरे युवाओं से मीटिंग हुआ, उन्होंने कहा हम आपका प्रोग्राम कराएंगे उस यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ऐसी सिरसा में होगा, फिर हमारा हिसार में होगा, ऐसे हमारा कुरुक्षेत्र में होगा, सारी यूनिवर्सिटियों में जो भी हमारे युवा पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे प्रोग्राम कराएं, हम आने के लिए तैयार हैं। हमारी महिलाएं, मैं अपनी महिलाओं को कहूंगा, हमारी बहनों को कहूंगा, एक प्रोग्राम आप महिलाएं एक प्रोग्राम करें इकट्ठी होकर के, सारी महिलाएं का एक प्रोग्राम होना चाहिए। और मैं अपने जिले की लीडरशिप को कहूंगा विधानसभा में महिला को प्रधान बनाओ, जिले में लगाओ, सेक्टर में लगाओ, महिलाओं की भी पूरी टीम बनाओ, जैसे पुरुषों की हमने टीम बनाई है महिलाओं की पूरी टीम बनाओ। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं महिलाओं की भी हमें जरूरत पड़ेगी। जब ये 1994 में पंचायती राज एक्ट आया, पंचायती राज कानून आया, हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी उस समय, बहुत सारी महिलाएं अनपढ़ थी, कानून आ गया, चेयरमैन बननी थी महिला, सडोरा एक हमारे वहां पे ब्लॉक है सडोरा, चेयरमैन महिला बननी थी, हमने पढ़े लिखे लोगों को कहा कि किसी महिला को चुनाव लड़ाओ, सबने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमने बहुत सारी महिलाओं को कहा चुनाव लड़ो, किसी ने कहा हम नहीं लड़ेंगे। एक हमारी बहन जा रही थी उसका नाम था प्रमानी देवी, वो घास लेने जा रही थी, हमने सर साहब ने कहा कि आपका मकान बनवाएंगे गुट्ठा लगाओ, हमने उसका गुट्ठा लगवा लिया और नॉमिनेशन फॉर्म पे लगवा लिया, मकान के नाम का बहाना देके नॉमिनेशन फॉर्म पे गुट्ठा लगवा लिया, नॉमिनेशन कर दिया, अनपढ़ थी तो घास लेने जा रही थी, उसके मुकाबले में कोई नहीं आया, वो पहले तो उसका फॉर्म भरा गया मुकाबले में कोई नहीं आया, अनपढ़ थी चुनाव जीत गई, आठ हमारे जीत कराए मेंबर, आठ एक महिला, पांच कांग्रेस के जीत कराए एक महिला, कांग्रेस वालों को लग गया कि बीएसपी के तो आठ जीत गए, 13 टोटल थे, चेयरमैन तो बीएसपी का बनेगा, अब क्या करना है, वो जोर तोड़ करते रहे हमारे मेंबरों को तोड़ने के लिए, हमारा मेंबर नहीं टूटा, हम आठ मेंबरों के साथ सडोरा में चले गए ब्लॉक में, 10 बज गए, फिर कुंडा लग जाता है, लॉक लग जाता है, 10 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी, फिर कांग्रेस वाले आए,
उनको एंट्री नहीं करने दिया, वोट ही नहीं पड़ा। हमारी परमाली देवी वहां भी निर्विरोध जीत गई, वहां भी निर्विरोध जीत गई, पहले नॉमिनेशन में जीत गई, वो चेयरमैन उड़ गई। हमने सांड साहब ने कहा चलो शपथ लाएंगे, फिर उसे कुर्सी में बैठाने के लिए लेकर गए, परमाली देवी जी चेयरमैन साहब कुर्सी में बैठो, वो कहती मुझे तो शर्म आती जी, आप ही बैठ जाओ, मुझे तो शर्म आती जी, आप ही बैठ जाओ। हमने कहा देखो बहन जी, आप चेयरमैन बनी है बाबा साहब की कृपा से, आपको कुर्सी में बैठना पड़ेगा। परमाली देवी को पहले शर्म आई लेकिन बढ़ा दिया, बैठ गई चेयरमैन बन गई। एक महिला आई दो महीने बाद, उसने कहा कि चेयरमैन साहब हमने आपको वोट दिया था, हमारा मकान बनवाओ। उसने बीडीओ साहब को कहा, बीडीओ साहब इस महिला का काम करो। बीडीओ साहब ने अनसुना कर दिया, काम नहीं किया। दो महीने बाद फिर वो महिला आई, उसने कहा बीडीओ साहब ने भाई चेयरमैन साहब मेरा तो काम हुआ नहीं। उसने क्लर्क बुलाया कि भाई बीडीओ साहब से पूछो ये काम क्यों नहीं किया। बीडीओ साहब कहता मुझे तो पता नहीं कौन सा काम था। परमाली गई बीडीओ साहब के कमरे में गई कि बीडीओ साहब ये काम क्यों नहीं किया। कहता कौन सा काम। परमाली ने एक जोड़ा थप्पड़ बीडीओ खींच के मारे, बीडीओ के थप्पड़, बीडीओ के नीचे गिरा कुर्सी से, बीडीओ को नीचे गिरा दिया। 9 से 326 की जानकारी थी, 9 से 3 कोई उसे कौन सी धारा लगी उसे कोई पता नहीं था, बता पड़ थी। उसने बीडीओ को एक मारे थप्पड़, बीडीओ नीचे गिरा, बीडीओ के साफ उड़ाया, क्या हो गया चेयरमैन साहब क्या हो गया। तो बीडीओ ने अपने क्लर्कों को बुला के कहा इस महिला का कल काम शुरू करवाओ, कल मकान बनवाओ। फिर जब तक भी वो परमाली चेयरमैन रही, फिर उसने बीडीओ को कहा, कहता भाई मैं अब चेयरमैन हूं, चेयरमैन, मैं वो परमाली नहीं हूं घास काटने वाली, मैं चेयरमैन हूं। इसलिए हमारी महिलाएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून दिया है उसमें पुरुषों को भी हिस्सा मिला है और महिलाओं का भी हिस्सा पूरा मिला है। इसलिए बोलना सीखो, गांव गांव में मीटिंग करो, अपनी यूनिटें बनाओ, जहां पुरुषों की यूनिटें बनी है महिलाओं की यूनिटें बनाओ। बहन तुम्हारी मायावती जी ने यूपी में कानून बनाया था जैसे हरियाणा में विधवा पेंशन मिलती है, गरीब उसको मरीज को पेंशन मिलती, बुड्ढे की पेंशन मिलती है, बहन जी ने यूपी में कानून बनाया था जो भी महिला होगी उसकी शादी होगी चाहे वो 18 साल की है, 20 साल की है, 22 साल की, 30 साल की है, उसको भी अगर घर में कोई कमाने वाला नहीं है उसका पर मंथ का बहन जी ने पेंशन लगाया था। यूपी में पेंशन लगाया था कि वो महिला काम नहीं करती, उसका घर वाला काम नहीं करता है, उसको भी यूपी में पेंशन लगाने का काम किया। तो अपनी महिलाओं को पूरा सम्मान देना है। ये सरकार महिलाओं के नाम पे नारा लगाती है लेकिन फिर सरकार है, इसलिए आगे हमारे कई कार्यक्रम लगे हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेकर के, काफी आप लोगों ने बड़ा जोर से प्रोग्राम किया है, मुझे पक्की उम्मीद है कि बहादुरगढ़ का एमएलए तो आज ही बन गया, बहादुरगढ़ का एमएलए तो बन गया, आज ही विजय कर दिया आपने।